बात है। लेखांकन समीकरण कौन सा? संपत्तियां बराबर दायित्व तो प्लस पूंजी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि हमें संपत्तियों के बारे में मालूम हो कि संपत्तियां कौन सी होती है, दायित्व तो कौन से होते हैं और पूंजी कौन सी होती है, पूंजी किसे कहते हैं। ये तीनों चीजें यदि हमें क्लियर है तो हम समीकरण आसानी से बना सकते हैं। पिछली दो क्लासेस में हमने संपत्तियां दायित्व तो पूंजी के बारे में जाना, फिर हमने कल की क्लास में लेखांकन समीकरण किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में हमने समझा। ठीक है, आज की क्लास में आगे हम और क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें लेखांकन समीकरण और किस प्रकार से बनाया जाता है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की। लेखांकन समीकरण किस प्रकार से बनाया जाएगा वो देख लेते हैं। देखिए, कल हमने करीब 8 क्वेश्चन किए थे, आज मैं आपको उसके आगे के क्वेश्चन कराने वाला हूँ और ये क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर के बैठा करिए, स्केल लेकर के बैठा करिए, जैसे जैसे हम साथ में करेंगे वैसे आपकी भी प्रैक्टिस होती जाएगी। निम्न से लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। हमें अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करना है, लेखांकन समीकरण तैयार करना है। नंबर 1 है व्यापार प्रारंभ किया, रोकड़ 2 लाख रुपए और माल 25,000 रुपए। एक व्यापारी ने अपना व्यापार प्रारंभ किया, रोकड़ उसने 2 लाख रुपए लगाई और माल लेकर आया 25,000 रुपए। आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि यदि कोई व्यापारी व्यापार को प्रारंभ करने के लिए रोकड़ और माल लेकर आता है तो वो दोनों उसकी पूंजी कही जाती है। इसका मतलब रोकड़ भी एक संपत्ति है, माल भी संपत्ति है, ये दोनों संपत्ति होगा और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूंजी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, 10,000 रुपये लागत का माल रोकड़ी बेचा 15,000 रुपये में। उसके पास जो माल था 25,000 रुपये का माल था, उसमें से उसने 10,000 रुपये लागत का माल बेच दिया, लेकिन 10,000 का माल कितने में बेचा, उसने 15,000 रुपये में बेचा। अच्छी बात है, 10,000 का माल 15,000 में बेचा, 5,000 का प्रॉफिट हुआ, उससे उसकी पूंजी बढ़ जाएगी। तीसरी बात, उधार फर्नीचर क्रय किया 20,000 रुपये का। फर्नीचर तो क्रय किया, फर्नीचर एक संपत्ति होती है आप लोगों को मालूम है, तो एक संपत्ति बढ़ जाएगी फर्नीचर वाली। और अब फर्नीचर भाई, हम दुकान पे फर्नीचर खरीदने जाएंगे तो फर्नीचर खरीदोगे तो पैसा तो देना पड़ेगा ना, लेकिन यहाँ पर उसने कैसा खरीदा, उधार। उधार खरीदा इसका मतलब उसका दायित्व तो बढ़ जाएगा, दायित्व तो मतलब लेनदार बढ़ जाएंगे, तो संपत्ति तरफ फर्नीचर बढ़ेगा और दायित्व तो साइड में लेनदार बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसी आधार पर हम लेखांकन समीकरण बनाते हैं। आप लोग भी फटाफट लाइनें खींचिए और मैं जैसे बना रहा हूं वैसे ही आप लोगों को भी बनाना है। ठीक है, चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन या लेखांकन समीकरण, ठीक है, लेखांकन समीकरण सबसे पहले आएगा विवरण, सबसे पहले हम लिखेंगे विवरण, विवरण के बाद में आएगा हमारा एक कॉलम रहेगा लेखांकन समीकरण लिखने का, यहां हम लिख देते हैं लेखांकन समीकरण। ठीक है, ये रहेगा विवरण, यहां हम समीकरण लिखेंगे। पहले वाले कॉलम में संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी। ठीक है, ये समीकरण लिख दिया हमने। नंबर 1 पर रोकड़ और माल से व्यापार प्रारंभ, रोकड़ और माल से व्यापार प्रारंभ किया। अब रोकड़ और माल दोनों क्या है, दोनों संपत्ति है, रोकड़ और माल दोनों संपत्ति होती है। रोकड़ कितने की है, 2 लाख रुपए की रोकड़ है,
और माल कितने का है? 25,000 का। और ये दोनों किस रूप में आया व्यापार में? ये दोनों आया पूंजी के रूप में आया, तो यहां पर लिखेंगे हम पूंजी। कितने रुपए की आई पूंजी? 0 + 2,25,000। ठीक है, रोकड़ 2 लाख, ये भी संपत्ति है, माल भी संपत्ति होता है, दोनों संपत्ति साइड में लिखा हमने। 2,25 हो गया, और ये किस रूप में आया व्यापार में? 2,25,000 पूंजी के रूप में आया, तो बराबर के इधर भी 2,25,000, बराबर के इधर भी 2,25,000। दूसरे नंबर पे 10,000 की लागत का माल 15,000 रुपए में रोकड़ी बेचा। सेकंड नंबर पर लिखेंगे हम नगद माल बेचा, जितना शॉर्ट में लिख सके लिखेंगे। नगद माल बेचा, 10,000 रुपए की लागत का माल 15,000 रुपए में नगदी बेचा, भाई उसको कितना पैसा मिल रहा है? 15,000 रुपए नगद मिल रहा है। और माल कितने का गया? बेचा मतलब उसके पास से माल स्टॉक कम हो जाएगा, 10,000 का माल कम हो गया। तो ये तो भैया गड़बड़ हो रही है, 10,000 का माल कम हो रहा है और 15,000 रुपए आ रहे हैं, तो 5,000 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, मतलब 5,000 रुपए से उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तभी तो सही होगा। ये हो जाएगा हमारा नया समीकरण। नया समीकरण दोनों साइड में बराबर बराबर होना चाहिए, तराजू के दोनों पलड़े बराबर आना चाहिए। तो केस कितना हो गया? 2,15,000 का केस हो गया। माल कितना बचा उसके पास? 25 में से 10,000 का माल बेच दिया, 15,000 का माल बचा, दाई तो अभी कुछ नहीं है उसके पास, और उसकी कैपिटल हो गई 2,25,000, तो पहले थी, और 5,000 का अभी प्रॉफिट हो गया, तो उसकी कैपिटल हो गई 2,30,000। अब दोनों साइड में मिला लो भाई, कि 2,30,000 यदि बराबर के इधर है तो बराबर के इधर भी 2,30,000 होना चाहिए। 2 15 और 15, 2,30,000 बराबर हो गया हमारा नया समीकरण। तीसरा पॉइंट क्या है? उधार फर्नीचर क्रय किया 20,000 का। चलिए तीसरा पॉइंट लिखा, फर्नीचर उधार क्रय, जितना शॉर्ट में लिख सके लिख देंगे, फर्नीचर उधार क्रय। फर्नीचर खरीदा, चाहे नगद खरीदो चाहे उधार खरीदो, व्यापार में संपत्ति के रूप में आएगा, मतलब एक संपत्ति यहां पर बढ़ जाएगी, और किस नाम से बढ़ेगी? फर्नीचर के नाम से। ऊपर से यहां तक हम नीचे तक 0,0 लाएंगे। कितने का फर्नीचर खरीदा भाई साहब? 20,000 का उसने खरीदा, 20,000 का फर्नीचर आ गया। ठीक है, उधार खरीदा है तो कैश तो जाएगा नहीं, क्योंकि उधार खरीदा है तो उसके पास से पैसा गया नहीं, माल पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब उधार खरीदा है तो सीधी सी बात है कि उसके लेनदार बढ़ जाएंगे, दाई तो बढ़ गया मतलब लेनदार बढ़ गए, तो लेनदार कितने के बढ़ गए? 20,000 रुपए के लेनदार बढ़ गए, पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बन गया हमारा नया समीकरण। नया समीकरण लिखो, न्यू इक्वेशन या नया समीकरण। 2,15,000 कैश है उसके पास, 15,000 रुपए का माल है, 20,000 रुपए का फर्नीचर है। ठीक है, और इधर 20,000 रुपए के लेनदार है और 2,30,000 रुपए की पूंजी है। टोटल यदि जोड़ोगे तो ये आपका होना चाहिए कितना है? 2,50,000। और ऐसे ही यदि इसको जोड़ोगे तो ये भी आपका होना चाहिए 2,50,000। तो 2 15 और 15, 2 30 और 20, 2,50,000 बराबर हो गया, बराबर मामला बैठ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा लेखांकन समीकरण या अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गया। बताइए कहां समझ में नहीं आया? बहुत ही इजी है, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ेगा। आप इसको अपने जीवन से जोड़िए, व्यवहार से जोड़िए, कि आप खुद एक व्यापारी है,
और आप यदि ऐसा काम करेंगे तो उसको कहाँ लेकर के जाएंगे, बस उस हिसाब से आपको ये काम करना है। ठीक है, समझ में आया हो तो ओके लिखिए, समझ में आ गया हो तो ओके लिखिए, और नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए क्या समझ में नहीं आया, और यदि समझ में आ गया हो तो ओके लिखिए। बताइए, चलिए, दो का ही जवाब आया, बाकी लोगों को समझ भी नहीं आया क्या? तीन और, तो 11th कॉमर्स में कितने बच्चे हैं? 60 के आसपास तो हैं। चलिए भाई, इसमें एक बार चलिए और क्लियर कर देता हूं। पहला वाला पॉइंट बार बार आएगा आपके लिए, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। अब किसी प्रश्न में आपको मिल जाएगा रोकड़ और माल से व्यापार प्रारंभ किया। यदि व्यापार को प्रारंभ करने के लिए रोकड़ और माल दोनों ला रहा है तो दोनों पूंजी हो जाएगी, और रोकड़ और माल संपत्ति होती है, तो संपत्ति साइड में हम रोकड़ में रोकड़ लिखेंगे, माल में माल लिखेंगे। ठीक है, फिर माल नगद बेचा, भाई नगद माल, आप कोई सी आपकी वस्तु यदि बेचोगे तो आपके पास से माल जाएगा और आपके पास पैसा आएगा, मतलब आपके पास रोकड़ 15,000 रुपए की बढ़ गई और आपने माल कितने का बेचा, 10,000 का। कोई भी व्यापारी अपना माल लागत से अधिक ही बेचेगा, तो 10,000 की लागत का माल था, 15,000 में बेचा, 5,000 रुपए का लाभ हुआ, और लाभ होने से पूंजी बढ़ जाती है, पूंजी में जोड़ दिया 5,000, नया समीकरण हो गया। फिर फर्नीचर उधार खरीदा, आप खरीदने गए, आपने फर्नीचर खरीद लिया, पैसे नहीं दिए, बोले मैं बाद में दूंगा, इसका मतलब वो छोड़ देगा क्या? नहीं, आपका लेनदार बढ़ गया। फर्नीचर मतलब एक संपत्ति तो बढ़ गई, लेकिन दायित्व पक्ष में एक लेनदार बढ़ गया 20,000 रुपए का, दोनों पक्ष बराबर। किसी भी व्यवहार का दोनों पक्षों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, दो पक्ष के ऊपर, या तो एक संपत्ति बढ़ जाएगी दूसरी संपत्ति कम हो जाएगी, या फिर एक दायित्व तो बढ़ेगा तो दूसरा संपत्ति बढ़ जाएगी, या एक संपत्ति कम होगी तो दायित्व तो कम हो जाएगा, मतलब दो पक्षों के ऊपर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपका समीकरण मैच नहीं खाएगा। भाई इधर भी 2,25,000 तो इधर भी 2,25,000, इधर 10,000 कम किया 15,000 बढ़ाया, तो फिर यहाँ 5,000 का अंतर आया, 5,000 पूंजी में जोड़ दिया, दो जगह बराबर। फिर 20,000 का फर्नीचर खरीदा तो इधर भी 20,000 के लेनदार बढ़ गए, मतलब दोनों आपके बराबर बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं, जिससे कि और आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, पहला वाला पॉइंट है तो आपको वही का वही मिलेगा, व्यापार प्रारंभ किया, कितने रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, 3,50,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया, संपत्ति के रूप में रोकड़ आई, संपत्ति तरफ रोकड़ में लिखेंगे और दायित्व तरफ कहां लिखेंगे, पूंजी में लिखेंगे। पहला क्लियर, पहला किसी को कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा है अशोक से माल खरीदा। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें अंडरस्टूड रहेगी, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसमें लिखा है अशोक से माल खरीदा, लेकिन कंफ्यूजन ये है आपको रहेगा, जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा आपको कंफ्यूजन रहेगा कि भाई अशोक से माल खरीदा तो उधार खरीदा है कि नगद खरीदा है, यहाँ तो लिखा ही नहीं है, अशोक से माल खरीदा उधार है कि नगद है। जब प्रश्न के अंदर नगद शब्द लिखा हो तो उसे हम नगद मानेंगे, और यदि सेंटेंस में नगद शब्द नहीं है और किसी व्यक्ति का नाम है कि अशोक से माल खरीदा, मतलब नाम आ गया, इसका मतलब कि ये माल आपने उधार खरीदा है, ये लाइन आप लिख लीजिए।
यदि लिखा है कि अशोक से नगद माल खरीदा तो कोई सवाल ही नहीं है, क्लियर हो गया आपको, कोई डाउट ही नहीं रहा। लेकिन डाउट यहाँ है, अशोक से माल खरीदा नगद शब्द नहीं है और नाम है किसी व्यक्ति का, इसका मतलब आपने उधार माल खरीदा है। ठीक है, अशोक से माल उधार खरीदा है तो माल आया, आपने पैसे दिए नहीं, मतलब आपके लेनदार बढ़ गए, तो स्टॉक भी बढ़ गया और लेनदार भी बढ़ गए, एक संपत्ति भी बढ़ गई, एक दायित्व भी बढ़ गया। राजेश को उधार माल बेचा, आपने माल बेचा 30,000 रुपए की लागत का माल आपने 40,000 रुपए में बेचा, उधार बेचा है भाई। आप उधार माल बेचोगे, आपके पास से स्टॉक तो 30,000 का कम हो गया, लेकिन बेचा कितने में, 40,000 में उधार बेचा है, मतलब आपको पैसा नहीं मिला लेकिन देनदार बढ़ गए, एक संपत्ति के रूप में जो देनदार मैंने बताया था वो देनदार 40,000 के बढ़ गए। लेकिन फिर भी आपका समीकरण नहीं मेच खाएगा, क्योंकि 30,000 का माल गया और 40,000 के देनदार बढ़े, तो 10,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, वो 10,000 का प्रॉफिट आप पूंजी में जोड़ देंगे। रोकड़ से फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया और रोकड़ गई, एक संपत्ति बढ़ गई और एक संपत्ति कम हो गई। अशोक को पूर्ण भुगतान में चुकाए, आपने अशोक से माल खरीदा था 50,000 का और आपने अशोक को पूर्ण भुगतान में चुकाए 48,000 रुपये। तो ये ऐसा कैसे हो गया, आपने 50,000 रुपये का माल खरीदा और जब पेमेंट करने गए तो 48,000 रुपये ही चुकाए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अशोक ने आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट होने से आपकी पूंजी, आपको फायदा हुआ उससे, अशोक को पूर्ण भुगतान में आपने 48,000 रुपये चुकाए तो आपकी रोकड़ जो है वो कम हो गई 48,000 रुपये से। और आपके जो देनदार है, आपका जो देनदार है, आपने माल खरीदा था तो आपकी रोकड़ 48,000 से कम हो गई और लेनदार आपके 50,000 रुपये से कम होंगे, तो फिर 2,000 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फिर एक किराया चुकाया, किराया चुकाने पर रोकड़ कम हो जाएगी और उधर पूंजी भी कम हो जाएगी। जितने भी भुगतान है इसके बारे में आप ये ध्यान रखना, जितने भी आप किराया चुकाओगे, वेतन चुकाओगे, मजदूरी दोगे, बिजली का बिल भरोगे, उन खर्चों से रोकड़ कम होती है और पूंजी कम होती है, बस इतना ध्यान रखना। जितने भी खर्चे एक्सपेंसेस जो आएंगे उससे रोकड़ कम होगी और पूंजी कम हो जाएगी, इनमें कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए अब हम प्रश्न को कर लेते हैं, इसको करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, आप लोग भी बताइए। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपको भी कॉपी में पूरा उपयोग करना पड़ेगा। बोर्ड जितना बड़ा है उतना तो मैं उपयोग कर ही लूँ। पर्टिकुलर फिर रहेगा संपत्तियां और दायित्व, तो रोकड़, माल, देनदार, लेनदार, फर्नीचर, किराया, ठीक है, लेखांकन समीकरण, लेखांकन समीकरण, विवरण, समीकरण लिखेंगे, संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस ठीक है। नंबर एक पर लिखेंगे हम रोकड़ से व्यापार प्रारंभ, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 3,50,000 रुपये, यह हमने लिखी रोकड़,
3,50,000 और इधर आ गया पूंजी 3,50,000। ठीक है, इधर रोकड़ 3,50,000 और इधर पूंजी 3,50,000। दूसरे नंबर पर अशोक से माल खरीदा 50,000 रुपए का, उधार माल क्रय, उधार माल खरीदा 50,000 रुपए का, तो माल बढ़ जाएगा। कितने का माल बढ़ गया? 50,000 रुपए का माल बढ़ गया, लेकिन उधार खरीदा है तो लेनदार 50,000 रुपए के बढ़ जाएंगे और पूंजी पर उसका कोई प्रभाव नहीं। ठीक है भाई, उधार माल खरीदा है तो माल तो आया 50,000 का, लेकिन उधार खरीदा इसका मतलब दायित्व पक्ष में लेनदार 50,000 रुपए के बढ़ गए, लेने वाले उससे 50,000 लेने वाले हैं क्योंकि आपने खरीदा है माल। अब एक नया समीकरण तैयार कर लेंगे हम, क्योंकि हर बार जोड़ना जरूरी है, नहीं तो आखिरी में जोड़ने जाओगे तो हो सकता है कि गलती हो जाए। नया समीकरण, रोकड़ अभी उसके पास 3,50,000 की है, 50,000 रुपए का माल खरीद लिया, टोटल हो गया 4,00,000। इधर भी 50,000 रुपए के लेनदार है और 3,50,000 रुपए की कैपिटल है इसके पास, ये भी हो गया 4,00,000। तीसरे नंबर पर राजेश को उधार माल बेचा। तीसरा पॉइंट है उधार माल विक्रय, 30,000 रुपए की लागत का माल 40,000 रुपए में बेचा। भाई माल कितने का गया? 30,000 का माल गया, तो उसके पास से जो माल है वो तो कम लागत का ही जाएगा ना, तो 30,000 का माल गया और बेचा कितने में? 40,000 में। लेकिन 40,000 में नगद में नहीं बेचा, उधार में बेचा, तो देनदार उधार बेचने पर उसको पैसा देने वाले हैं, अभी दिए नहीं है, और इसलिए उसके देनदार बढ़ गए कितने रुपए के? 40,000 रुपए के देनदार बढ़ गए। तो यहां तो भाई साहब गड़बड़ हो रही है, माल 30,000 का गया और आपको पैसा देने वाले लोग हैं 40,000, तो 10,000 का तो आपको फायदा हो रहा है, तो 10,000 का फायदा मतलब आपकी पूंजी 10,000 रुपए से बढ़ जाएगी। फिर एक नया समीकरण आ गया, फिर एक नया समीकरण बन जाएगा, नया समीकरण 3,50,000 का केस, 50,000 के माल में से 30,000 का माल बेच दिया, कितने का माल बचा? 20,000 का, और अभी पैसा देने वाले लोग कितने हैं? उधार माल कितना बेच कर रखा है? 40,000 के देने वाले लोग हैं, लेनदार 50,000 के हैं और पूंजी है उसके पास 3,60,000 की। भाई साहब जोड़ के देख लो, 3,50 और 20, 3,70 और 40, 4,10,000 रुपए, इधर भी 3,60 और 50, 4,10,000 रुपए, अभी तक तो हम सही चल रहे हैं। चौथे नंबर पर क्या दिया? रोकड़ से फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का, फर्नीचर नगद क्रय, 10,000 का फर्नीचर नगद खरीदा, एक संपत्ति बढ़ गई उसके पास, फर्नीचर नाम की संपत्ति बढ़ गई, यहां लिखेंगे 10,000, और कैसा खरीदा? नगद, मतलब उसके पास से पैसा जाएगा, 10,000 रुपए रोकड़ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बाकी माल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, देनदारों पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेनदारों पे कोई फर्क नहीं पड़ा और पूंजी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वहां पर हम 0,0 लिखते जाएंगे। कैश 3,50 था, 10,000 का फर्नीचर खरीद लिया तो आप कितना बचा?
3,40,000 रुपए का कैश बचा उसके पास, माल 20,000 का है उसके स्टॉक में, और उसको उधार लोग देने वाले हैं 40,000, और 10,000 का फर्नीचर खरीद लिया, इतना संपत्तियां है। दायित्व पक्ष में 50,000 उसको देना है लोगों को, और 3,60,000 रुपए की पूंजी है उसके पास। ठीक है, बराबर है न्यू इक्वेशन हमारा, नया समीकरण। अब फिफ्थ नंबर पे आएंगे, अशोक को पूर्ण भुगतान में चुकाए 48,000 रुपए। यहां लिखना पड़ेगा अशोक को चुकाए, कितने चुकाए उसने 48,000 रुपए अशोक को चुकाए, मतलब 48,000 रुपए की उसके पास से कैश गया, 48,000 रुपए का कैश गया उसके पास। भाई साहब अशोक को देना कितना था, आपने उधार माल कितना खरीदा था, 50,000 रुपए का अशोक से माल खरीदा था, आपको 50,000 रुपए देना था, लेकिन पूर्ण चुकता कर दिया, मतलब उसने आपको 2,000 का डिस्काउंट दिया। तो क्या आप लेनदारों में से 50,000 माइनस करोगे कि 48,000 माइनस करोगे? आप तो 50,000 ले करके गए थे, लेकिन सामने वाले ने 50,000 नहीं लिए और 48,000 लिया, 2,000 का आपको डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब आपके लेनदार तो 50,000 रुपए से माइनस हो गए, क्योंकि आप 50,000 देने गए थे, सामने वाले ने आपसे 48,000 ही लिया, तो फिर यहाँ तो आपका समीकरण मैच ही नहीं हो रहा है। आपके लेनदार 50,000 से माइनस हो रहे हैं और आपके पास से रोकड़ तो 48,000 रुपए ही गई। इसका मतलब 2,000 रुपए का आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो 2,000 रुपए आपको फायदा हुआ है, तो 2,000 रुपए से आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, 2,000 रुपए से आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इधर 48 माइनस हुआ और इधर 50 माइनस हुआ था, 2,000 रुपए प्लस हो रहा है, तो ये हो जाएगा 48,000। ठीक है, अब इसको समीकरण बना के देख लेते हैं। पहले तो 0,0 लिखो, 0,0,0। ठीक है, अब आप लोग इसको जोड़कर देखिए कि दोनों पक्ष बराबर है क्या। नए समीकरण में 3,40 में से 48,000 गया, 2,98,000, दो लाख बानवे हजार, 2,92,000, फिर 20,000, 40,000 और 10,000, फिर 50 में से 50 चला गया 0 और ये हो जाएगा 3,62,000। जोड़िए हो रहा है क्या, 3,92,000, 40, 20, 60 और 70 और 2,92,000 कितना हो रहा है, जोड़िए 2,92,000 और 70,000, 2,92,000 और 70,000 कितना हो रहा है बताइए, इसको जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 3,62,000 हो रहा है। तो फिर हम आगे बढ़े, बताइए बताइए, 2,92,000, 20,000, 40,000, 10,000 इसको जोड़ेंगे तो 3,62,000 हो रहा है। जो भी बच्चे जुड़े हैं जवाब दो, चलिए ठीक है ना, ये हमारा बन गया नया समीकरण। अब नेक्स्ट है हमारा किराया चुकाया 3,000, सिक्स नंबर पे
किराया चुकाया 3,000 मैंने बताया, जो भी खर्चे हैं उनसे रोकड़ कम हो जाएगी और आपकी पूंजी भी कम हो जाएगी। ठीक है, बस बाकी जगह सब जगह जीरो जीरो कर दो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। ठीक है, अब बराबर कर दो, करिए बराबर करिए। 292 में से 3 गया, 2,89,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 जीरो और 3,59,000। इधर 3,59 है, इधर का 3,59 आ रहा है क्या, जोड़िए 2,89, 20, 40 और 10, 3,59,000 आना चाहिए। ये हमारा हो जाएगा बराबर। इधर तो है, इधर तो जोड़ने की जरूरत नहीं, इधर का 3,59 आना चाहिए आपका। इधर का 3,59 आ रहा है क्या, जोड़ के बताइए। समझ में आया, समझ में आया हो तो ओके लिखिए, और नहीं समझ में आया हो तो कौन सा पॉइंट है समझ में नहीं आया वो बताइए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर। भाई तो आपको ज्यादा से ज्यादा कहां प्रॉब्लम हो सकती है कि अशोक को चुकाए 48,000। ओके वेरी गुड। भाई फर्नीचर आपने नगद खरीदा, आप खुद व्यापारी हो, आपके व्यापार में आप फर्नीचर खरीदोगे व्यापार के लिए, है ना, माल बेचने के हिसाब से नहीं, उसको बेचने के हिसाब से नहीं खरीद रहे आप, उसको व्यापार में स्थायी संपत्ति के रूप में खरीद रहे हैं। तो एक संपत्ति आ रही है और दूसरी संपत्ति आपने नगद खरीदा है, नगद खरीदा है इसका मतलब आपके पास से रोकड़ जा रही है ना। फर्नीचर आया और रोकड़ गई, उस पर पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई यहाँ पर आपका सवाल सही है कि सर हम किराया चुका रहे हैं तो रोकड़ कम हो रही है और पूंजी कम हो रही है, तो फर्नीचर खरीदने पर रोकड़ कम और पूंजी पर क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा है। भाई दो पक्षों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। भाई खर्चे हमेशा हमारी पूंजी कम करते हैं, जो भी खर्चे होते हैं वो खर्चे हमारी पूंजी कम करते हैं। खर्चों से हमें कुछ मिला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको मिल रहा है ना, फर्नीचर आ रहा है, उसके बदले रोकड़ के बदले आपको क्या मिला। आपने रोकड़ दी, फर्नीचर खरीदा 10,000 का, तो आपको फर्नीचर मिला और उसके बदले आपने पैसे दिए, मतलब पैसे गए उसके बदले आपके पास फर्नीचर आया, संपत्ति आई, तो दोनों पलड़े बराबर हो गए। यहाँ पर किराया आपने चुकाया तो आपका कैश तो कम हो गया, अब आप यहाँ पर किसमें जो किराए के 3,000 रुपए का एडजस्ट करोगे, तो 3,000 रुपए से आपकी जो पूंजी है सीधी सीधी कम हो रही है। तो खर्चे जो भी होते हैं वो खर्चे आपकी पूंजी को सीधा सीधा कम कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, समझने लायक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 11 नंबर वाला क्वेश्चन। लेखांकन समीकरण का उपयोग कर निम्न व्यवहारों का संपत्ति पूंजी दायित्व तो पर किस प्रभाव पड़ेगा और चिट्ठा भी दर्शाइए। अब ये आ रहा है समायोजन से रिलेटेड, अदत्त पूर्वदत्त उपार्जित और अनुपार्जित से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। किराया प्राप्त किया, किराया प्राप्त करेंगे, जैसे आपने आप किराया चुकाते हैं तो आपकी रोकड़ कम होती है और उधर पूंजी कम होती है,
ठीक इसके अपोजिट आप ये जब किराया प्राप्त करेंगे तो आपकी रोकड़ बढ़ जाएगी और उधर पूंजी भी बढ़ जाएगी। बहुत आसान है, खर्चों के मामले में बहुत आसान है। जब आप किराया चुकाते हो तो रोकड़ कम कर दो, पूंजी कम कर दो, और आपको किराया प्राप्त हो रहा है तो रोकड़ भी बढ़ जाएगी और पूंजी भी बढ़ जाएगी। ठीक उसके उल्टा उपार्जित ब्याज, उपार्जित ब्याज का मतलब होता है आपने ब्याज कमा लिया है लेकिन अभी आपको मिला नहीं है, और ऐसा ब्याज जो आपको मिलने वाला है, मिला नहीं है लेकिन मिलने वाला है, वो आपकी संपत्ति होती है। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि उपार्जित मजदूरी, आपने कहीं काम किया और आपको अभी मजदूरी मिली नहीं, मिलने वाली है, आप उसको संपत्ति मानोगे कि नहीं मानोगे कि आपकी संपत्ति है, मिलने वाली है। भाई अभी किसान के खेत में फसल है, वो अनुमान लगाता है प्याज लगे हैं, तो वो अनुमान लगाता है कि मेरे इतने रुपए के प्याज निकलेंगे, या मेरे इतने रुपए की अरबी निकलेगी, या मेरे इतने रुपए की सोयाबीन निकलेगी, या कपास निकलेगा। वो अनुमान लगाता है कि भाई मैंने जो मेहनत करी है और उस मेहनत का प्रतिफल इतना मिलेगा, मतलब उसकी संपत्ति इतनी आएगी। ऐसी ब्याज, उपार्जित ब्याज मतलब इतना मिलने वाला है, तो वो उसकी संपत्ति हुई। तो हम संपत्ति साइड में लिखेंगे उपार्जित ब्याज 500, और अभी चूंकि मिला नहीं है इसलिए कैश में नहीं लिखेंगे। भाई संपत्ति पक्ष में यदि 500 हमने लिख दिया उपार्जित ब्याज के रूप में, तो दायित्व पक्ष में हमारी पूंजी 500 रुपए से बढ़ जाएगी। जब भी समायोजन की एंट्री होगी, मतलब अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित की, तो उसका प्रभाव पूंजी पर पड़ेगा, है ना। तो संपत्ति पक्ष में हमने उपार्जित ब्याज 500 रुपए एक संपत्ति जोड़ दी और उधर पूंजी 500 रुपए से बढ़ जाएगी। कमीशन अग्रिम प्राप्त हुआ, आपको एडवांस में किसी ने कमीशन दे दिया किसी काम को करने के लिए कि मेरा ये काम आप कर देना, मैं आपको एडवांस में कमीशन दे रहा हूं, तो आपको एडवांस में कमीशन मिल गया 1,000। भाई 1,000 एडवांस में दे दिया मतलब आपके पास कैश तो आ गया, कैश आ गया नगद, तो आपका कैश तो 1,000 रुपए से बढ़ गया, लेकिन एडवांस में मिला हुआ पैसा आपकी संपत्ति नहीं है। वो कल पलट के आ गया कि भैया मेरा एडवांस वापिस कर दो, तो इसका मतलब वो एडवांस में मिला हुआ पैसा आपका पैसा नहीं है, वो आपके लिए दायित्व है। और इसलिए अग्रिम प्राप्त कमीशन मतलब एडवांस में प्राप्त कमीशन आपके लिए दायित्व है, और दायित्व पक्ष में हम एक दायित्व के रूप में लिखेंगे अग्रिम कमीशन, लेकिन कैश तो बढ़ जाएगा, कैश बढ़ेगा 1,000 से, और दायित्व एक बढ़ जाएगा हमारा कि भैया ये अग्रिम प्राप्त हुआ है वो सामने वाला कभी भी ले सकता है। ठीक है, तो ये चार को हमें समीकरण में दिखाना है। चलिए बना लेते हैं हम इसका समीकरण, छोटा सा समीकरण बनेगा। चलिए इसको हम यही रहने देते हैं, साइड में कर दें, सब करेगा ये। बनाओ, छोटा सा समीकरण बनेगा, छोटा सा या बड़ा बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, चार समायोजन है, विवरण लेखांकन समीकरण, विवरण संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। ठीक है, नंबर वन रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है,
रोकड़ कितने की है? 60,000 की है। सिक्सटी थाउजेंड की रोकड़ है और उसकी पूंजी हो जाएगी 60,000। इधर अभी जीरो है। आगे है किराया प्राप्त किया 2,000 रुपए का नंबर दो पे। दो हजार रुपए का किराया प्राप्त किया मतलब आपके लिए कैश 2,000 रुपए से बढ़ गया और 2,000 रुपए से आपकी पूंजी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, नया समीकरण बना लो। नया समीकरण क्या होगा? बासठ हजार का कैश हो गया और 62,000 रुपए की पूंजी। ठीक है, आगे बढ़े तो हम तीसरे नंबर पे क्या दिया है? उपार्जित ब्याज 500 रुपए, उपार्जित ब्याज 500। अब ये उपार्जित ब्याज अभी मैंने आपको बताया था ये हमारी संपत्ति होती है, तो इसे हम लिखेंगे संपत्ति पक्ष में। पांच सौ रुपए की और इससे हमारी पूंजी बढ़ जाएगी। पांच सौ रुपए से हमारी पूंजी बढ़ जाएगी। बासठ हजार प्लस 500 और इधर भी हो जाएगा 62,500। बराबर चल रहा है अभी? नया समीकरण बन गया हमारा। फोर नंबर पे दिया है अग्रिम कमीशन प्राप्त हुआ 1,000, कमीशन अग्रिम प्राप्त भाई एडवांस में मिला है तो कैश तो मिल ही गई आपको। यदि आपको एडवांस में मिला है मतलब आपको कैश 1,000 रुपये आपका बढ़ गया, लेकिन दायित्व तो पक्ष में आपके लिए एक दायित्व तो बढ़ गया क्योंकि कमीशन आपके लिए एक दायित्व तो होता है एडवांस में मिला हुआ कमीशन, और इसलिए 1,000 रुपए का दायित्व तो आपके लिए बढ़ गया। पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1,000 से कैश तो बढ़ा लेकिन वो दायित्व तो भी बढ़ा दिया उसने। 62 और 1 63 और ये 500 और ये 1,000 और 62,500 बराबर 63,500 इधर भी और 63 62 और 1 63 500 इधर। ठीक है, उपार्जित और अनुपार्जित आप लिख लीजिए। उपार्जित और अनुपार्जित, इसको एडवांस में मिले हुए को अनुपार्जित बोलते हैं। नंबर एक देखिए, उपार्जित उपार्जित आय, इसमें लिखिए उपार्जित आय को संपत्ति पक्ष में एक संपत्ति के रूप में जोड़कर लिखा जाता है। उपार्जित आय को संपत्ति पक्ष में एक संपत्ति के रूप में जोड़कर लिखा जाता है। यहाँ एक संपत्ति के रूप में हमने लिखा उपार्जित, जो भी होगा उपार्जित किराया होगा, उपार्जित ब्याज होगा, उपार्जित जो भी होगा वो हम लिखेंगे। यहाँ ब्याज था तो यहाँ ब्याज लिखा। उपार्जित आय हेडिंग लिखना, उपार्जित आय उसमें लिखो उपार्जित आय को संपत्ति पक्ष में एक संपत्ति के रूप में जोड़कर लिखा जाता है। और
दायित्व पक्ष में पूंजी में जोड़ा जाता है, और दायित्व पक्ष में पूंजी में जोड़ा जाता है, क्योंकि ये भूल जाओगे और बार बार जब भी उपार्जित आएगा तो आप बोलोगे कि कहां, वीडियो खोलकर देखोगे, इसलिए लिख लो कॉपी में। उपार्जित आय को संपत्ति पक्ष में एक संपत्ति के रूप में जोड़कर लिखा जाता है और दायित्व पक्ष में पूंजी में जोड़ा जाता है। दूसरा, अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय, हेडिंग लिखो अनुपार्जित आय। अनुपार्जित आय को संपत्ति पक्ष में रोकड़ में जोड़ा जाता है। अनुपार्जित आय को संपत्ति पक्ष में, यह हमारा संपत्ति पक्ष है, उसमें रोकड़ में जोड़ा जाता है, और दायित्व पक्ष में एक दायित्व के रूप में जोड़कर लिखा जाता है। अनुपार्जित आय को संपत्ति पक्ष में रोकड़ में जोड़ा जाता है और दायित्व पक्ष में एक दायित्व के रूप में जोड़कर दिखाया जाता है। क्लियर? ये उपार्जित और अनुपार्जित। उपार्जित तो उसमें लिखा मिलेगा, लेकिन इसको अग्रिम कमीशन जो आपको एडवांस प्राप्त होता है उसे अनुपार्जित कहा जाता है। ये भी लिख लो, अनुपार्जित का मतलब होता है जो आपको एडवांस में प्राप्त होता है। आपको एडवांस में कमीशन मिल गया, एडवांस में किराया मिल गया, तो वो एडवांस में मिली हुई चीज अनुपार्जित कहलाती है। तो उसको रोकड़ में जोड़ी जाती है और दायित्व में एक दायित्व के रूप में लिखा जाता है। क्लियर? ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताए, क्योंकि अभी प्रश्न में, परीक्षाओं में ये आता ही है, उपार्जित अनुपार्जित के बारे में। बोलिए, समझ में आ गया हो तो ओके लिखिए, नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आज की क्लास को मंगल करें। बताइए, जितने भी बच्चे हैं वो बताइए, आपको समझ में आ गया हो तो ओके लिखिए, और नहीं समझ में आया हो तो पूछिए कि क्या समझ में नहीं आया। एक बच्चे ने अभी तक बोला, अंकित ने, और बताइए। ठीक है, कंप्लीट करते हैं आज की क्लास, फिर हम मिलेंगे कल। ठीक, ओके, थैंक यू, बाय।